नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। लॉरेंस विश्नोई क्या सरकार के इशारे पे कुछ काम कर रहा था? कनाडा में लॉरेंस विश्नोई के मतलब क्या है, मकसद क्या है? लॉरेंस विश्नोई के जरिए सरकार क्या क्या गेम करना चाह रही थी, ये खबर सही है या गलत है? और जो विदेशों के अखबारों में लॉरेंस विश्नोई और कनाडा के लिंक की कहानियां छप रही हैं, वो पूरी सरकार के लिए बहुत खतरे की घंटी है। अगर मजबूत विपक्ष होता तो शायद इस मुद्दे पर सरकार के पसीने आ जाते। लॉरेंस विश्नोई की कहानी का मैं एक एक सूत्र आज आपको बताने जा रहा हूं। इस सूत्र में आप पाएंगे कि लॉरेंस विश्नोई के पीछे कौन है, आखिर लॉरेंस विश्नोई को हिंदुत्व का एक बड़ा नेता बनाने की साजिश कौन कर रहा है। दरअसल दशहरे के दिन मुंबई में जाने माने पॉलिटिशियन पूर्व MLA बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको पता है 66 साल के बाबा सिद्दीकी कुछ समय से अजीत पवार की NCP से जुड़े हुए थे, लेकिन इनका 30 साल से ज़्यादा का कैरियर कांग्रेस के साथ रहा था। 1992 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर का चुनाव जीतने से इनकी शुरुआत हुई और आगे चलकर कांग्रेस की सरकार में ये खाद्य विभाग के मंत्री भी बन गए। ये लगातार 3 बार की मुंबई की बांद्रा वेस्ट असेंबली सीट से MLA रह चुके थे। बांद्रा वही जगह है जहां फिल्मों के कुछ नामचीन सितारे रहते हैं, जिनमें से 2 नाम प्रमुख हैं, वो हैं शाहरुख खान और सलमान खान। 2008 में हीरोइन कैटरीना कैफ की जन्मदिन की पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान की लड़ाई हो गई थी। लड़ाई इतनी बड़ी कि कई साल बातचीत बंद रही। तब एंट्री होती है बाबा सिद्दीकी की। बॉलीवुड में अच्छी पैट रखने वाला सिद्दीकी अपने घर की इफ्तार पार्टी के लिए जाने जाते रहे हैं। इसमें बड़े बड़े फिल्मी सितारों और राजनेताओं का आना जाना यहाँ लगा रहता था। ये सब बातें आप सुन चुके होंगे। 2013 में ऐसी ही एक पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने शाहरुख और सलमान को साथ में न्योता दिया। बाबा सिद्दीकी के प्यार में दोनों आए और वहीं पर बाबा सिद्दीकी ने दोनों की वापस दोस्ती करा दी, दोनों को गले मिलवा दिया। ये ऐसा इसलिए भी कर पाए क्योंकि सलमान खान से इनकी पुरानी दोस्ती थी, मगर इनकी हत्या के बाद हुए खुलासों से पता लगता है कि शायद सलमान खान की दोस्ती ही इनकी मौत का कारण बन गई। आइए जानते हैं कैसे मुंबई के निर्मल नगर इलाके में एक ग्राउंड है, उसी के पास बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान का ऑफिस है, जो खुद एक MLA हैं। शनिवार की रात सिद्दीकी इसी दफ्तर के बाहर खड़े थे। सरकार की तरफ से मिली सिक्योरिटी के तौर पर एक सुरक्षाकर्मी भी साथ था। तभी अचानक 3 हमलावरों ने पहले सुरक्षा कर्मी की आंख में मिर्च का पाउडर डाला और फिर सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ 6 राउंड गोलियां बरसा दी, जिनमें से 2 उनकी लगी और उनकी मौत हो गई। पास से गुजर रहे दुर्गा पूजा के जुलूस में घुसकर हमलावरों ने भागने की कोशिश करी, लेकिन मैदान में ही 2 को धर दबोचा गया, लेकिन 3रा भागने में सफल रहा। सारे मुजरिम 25 साल से कम उम्र के हैं। 1 हरियाणा और 2 UP से हैं। इन 2 का तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं है। फिर क्यों और किसके कहने पर बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल आदमी की हत्या इन्होंने की, ये गुत्थी अगले दिन सुलझी। शुभम सोनकर नाम के एक अपराधी ने फेसबुक पर पोस्ट लिखी। शुभम लॉरेंस विश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है। उसने फेसबुक पर क्या लिखा, आपको जो कहते हो पढ़कर सुनाता हूँ। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। इसके मरने का कारण अर्जुन थापर और दाऊद का बॉलीवुड पॉलिटिक्स और प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ना था। जय श्री राम, जय भारत, सलाम। पोस्ट से साफ है कि यह हत्या लॉरेंस विश्नोई ने करवाई है, लेकिन एक गैंगस्टर के पोस्ट में जय श्री राम, जय भारत, दाऊद के लिए नफरत और शहीदों के लिए सम्मान कहां से आया, इसका भी खुलासा करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि जिस अनुज थावन की बात हो रही है, वो भी उन लोगों में से एक था जिन्होंने अप्रैल 2024 में सलमान के घर के बाहर गोलियां चलाई थी। बाद में खबर आई कि इसने जेल के अंदर खुदकुशी कर ली है, लेकिन इसके घर वालों का दावा है कि वो पुलिस टॉर्चर की वजह से इसकी जान चली गई। खैर, सिद्दीकी वाली वारदात से ये तो साफ हो गया है कि सलमान खान और लॉरेंस विश्नोई की दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, मगर देश का एक सबसे बड़ा कलाकार और दूसरी तरफ सबसे बड़ा खतरनाक अपराधी क्यों एक दूसरे के सामने आए हैं, ये डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ।
1998 के सितंबर और अक्टूबर महीने में सलमान खान राजस्थान में अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। उन पर आरोप है कि इस दौरान तीन अलग अलग घटनाओं में इन्होंने दो चिंकारा हिरण और दो काले हिरणों का शिकार किया। इसके लिए इन पर चार केस फाइल हुए जिनमें से तीन शिकार को लेकर थे और एक अवैध असला रखने के जुर्म में। एक केस इनके साथी कलाकार पर भी चला। 12 अक्टूबर 1998 को ये गिरफ्तार हुए और दो दिन जेल में रहे। 1998 से 2018 तक निचली अदालत को 20 साल का लंबा समय लग गया, लेकिन 2006 में दो और 2018 में एक मामले में ये दोषी साबित हुए। सलमान खान ने जो जिप्सी इस्तेमाल की थी उसमें से खून के छींटे मिले थे, वो उसी काले हिरन के थे जो मरा हुआ मिला था। सलमान खान को सजा दिलाने के लिए अदालत के पास ये सबसे बड़ा सबूत था। हालांकि 2016 में हाईकोर्ट ने इन्हें दो मामलों में बरी कर दिया, जिसकी अपील आज भी राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और 2018 में काले हिरण के शिकार में जब ये दोषी साबित हुए तो उसके खिलाफ की गई अपील सलमान खान की तरफ से ऊपर की अदालत में लंबित है। अलग अलग केस के मायाजाल में एक बात सबसे जरूरी है, वो है कि राजस्थान के जिस इलाके में सलमान खान आज से 26 साल पहले फिल्म बना रहे थे वहां विश्नोई समाज के लोग रहते हैं। ब्लैक बक यानी काले हिरण को इस समाज के लोग पूजने मानते हैं। मान्यता यह भी है कि काला हिरण विश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर जी का अवतार है। पूरा विश्नोई पंथ गुरु जम्बेश्वर जी के बनाए 29 नियमों पर चलता है। सब नेचर को बचाने को लेकर हैं, जिससे मांस ना खाना, पेड़ों को ना काटना और जानवरों की रक्षा करना शामिल है। जानवरों को और खासकर काले हिरण को बचाने के लिए विश्नोई समाज के लोग जान तक देने को तैयार रहते हैं। सलमान खान के खिलाफ FIR भी इसी समाज के लोगों ने कराई। 20 साल से ज़्यादा केस चलने के बाद भी अलग अलग मौक़ों पर सलमान खान केवल कुछ दिनों के लिए जेल में रहे हैं। विश्नोई समाज आज भी उनसे नाराज है। उनकी तरफ से सलमान खान को बोला गया कि वो उनके मंदिर में आकर माफ़ी मांग लें। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद यही बात भाजपा के नेता ने भी फिर से बोल दी है, लेकिन सलमान के लिए समस्या यह है कि माफ़ी मांगने का मतलब अपराध को कबूलना हो जाएगा। इन सबके बीच एंट्री होती है लॉरेंस विश्नोई की। इसकी डिटेल्स बताती है कि लॉरेंस 1993 में पैदा हुआ, यानी 1998 में जब हिरन मारा गया लॉरेंस बस 5 साल का रहा होगा। तो क्या फिल्मी कहानियों की तरह लॉरेंस विश्नोई सिर्फ इसलिए बड़ा हुआ कि उसे बचपन से सलमान खान से बदला लेने की ठान ली थी? ऐसा लगता तो नहीं है। लॉरेंस विश्नोई की आज की उम्र केवल 31 साल है। इस कम उम्र में लंबे आपराधिक सफर की शुरुआत 2011 के आसपास की है। इन दिनों लॉरेंस DAV कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ता था और वहाँ की स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बना। इस छात्र राजनीति के चलते 2010 से 2012 के बीच इस पर कुल 7 केस लगाए गए, जिसमें से अटैम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी जैसी धाराएँ थी। आने वाले वक्त में 4 केसों में ये बरी भी हुआ और 3 केस अभी भी चल रहे हैं। उस दौरान जेल भी हुई, लेकिन 2013 में जमानत पर बाहर आकर और केवल 20 साल की उम्र में मुक्सर इलाके में छात्र नेता की हत्या के आरोप में लॉरेंस को सीजनल क्रिमिनल की श्रेणी में ला दिया। 2014 में एक पुलिस एनकाउंटर के बाद लॉरेंस को गिरफ्तार किया गया और तब से ये जेल में ही हैं। हालांकि जेल से अपने अपराध का ऐसा सिंडिकेट चला रखा है कि सुरक्षा एजेंसी भी सकते में है। 2023 में जेल में बैठे बैठे इसने ABP न्यूज के पत्रकार को इंटरव्यू दे डाला। यहां इसने फिर से यही बात कही कि इसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद सलमान खान को मारना है। इस तरह जेल से इंटरव्यू की घटना पर पंजाब हाई कोर्ट ने जांच के लिए SIT बिठा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार की गिरफ्तारी पर तो रोक लगा दी, लेकिन जेल से इंटरव्यू यानी सुरक्षा में सेंध पर काफ़ी चिंता जताई। बात सिर्फ इंटरव्यू देने तक नहीं थमती। विश्नोई ने जेल से ही अपना पूरा नेटवर्क चला रखा है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और डिब्बा कॉलिंग जैसे आधुनिक तरीकों से अनट्रेसेबल कॉल्स की जाती है, जो पकड़ में नहीं आती है, जो पुलिस के सर्विलांस नेटवर्क में भी नहीं आती है। इन्हीं तरीकों से लॉरेंस जेल के अंदर ऑर्डर कर देता है और 5 राज्यों में फैले 700 शूटर हुक्म बजाने को तैयार रहते हैं। देश से बाहर भागे हुए इसके दो साथी गोल्डी बरार और रोहित गोदारा और खुद का छोटा भाई अनमोल विश्नोई बाहर से नेटवर्क देखते हैं। जिस तरह फिल्मों में जब कोई हीरो किसी गैंगस्टर का रोल करता है तो उसके आसपास रोबिनहुड सरीका एक माहौल बना दिया जाता है, जैसे कि वो दिल का बहुत अच्छा है, मजबूरी में अपराध की दुनिया में आया, वैसे ही देशभक्त है, वगैरह वगैरह।
कुछ इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई भी अपने आप को प्रोजेक्ट करता है इस बात के 3-4 पहलू हैं। नंबर एक, भारत के सबसे बड़े भगोड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम को भी ये अपना दुश्मन कहता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी ये बात फेसबुक पोस्ट में कही गई, लेकिन इस बात का दूसरा पहलू मैं बताने जा रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। बॉलीवुड में ग्लैमर भी है और पैसा भी, इसलिए 70 से 90 के दशक में मुंबई माफिया के 3 बड़े धंधे थे, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और बॉलीवुड में दखल। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में स्मगलिंग के केस में बंद है। एक्सटॉर्शन यानी फिरौती की कॉल उसके गैंग के लोग बिजनेसमैन को करते रहते हैं। बचा बॉलीवुड, जहां सलमान के काले हिरन मामले ने लॉरेंस को बॉलीवुड में अपनी पैठ बढ़ाने का बहाना दे दिया है। नंबर दो, हिंदू देवी देवताओं की रक्षा उठाने का जिम्मा भी लॉरेंस का दावा करता है, इनका गैंग दावा करता है। इसके तहत काला हिरन मामला तो है ही है, लेकिन ताज़ा खबर बता रही है कि लॉरेंस की हिट लिस्ट में मुनव्वर फारूकी का नाम भी शामिल है, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और अपने एक शो में हिंदू देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कुछ दिन जेल में भी रहकर आ चुका है। नंबर तीन, और बड़ा महत्वपूर्ण तीन, इस बिंदु पे खास ध्यान दीजिएगा, खालिस्तानी एजेंडे के पूरी तरह खिलाफ है लॉरेंस गैंग। कनाडा पुलिस ने अपने कोर्ट में यह बयान दिया है कि भारत सरकार लॉरेंस गैंग के गुर्गों की मदद से कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को टारगेट करती है, खालिस्तानी नेताओं को टारगेट करती है उनके शब्दों में। इस दावे में कितनी सच्चाई है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह सलमान खान की पीआर टीम काम करती है वैसे ही लॉरेंस भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। इसके अलावा शिकार के मामले और फुटपाथ पर गाड़ी के नीचे आदमी मारने के आरोपों के बाद भी सलमान खान की एक अच्छी पहचान है, जिसमें वो बीइंग ह्यूमन नाम से चैरिटी करते हैं। अलग अलग वक्त पर लोग इनकी दरियादिली की तारीफ भी करते हैं। उसी तरह मनमाने तरीके से लोगों की जान लेने के बावजूद लॉरेंस गैंग हमेशा एक जस्टिफिकेशन देता है, अपराध होने के बाद इनकी तरफ से किए खुलासे हमेशा एक कारण देते हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला ने इनके दोस्त को मरवाया इसलिए उसको मारा, बाबा सिद्दीकी का दाऊद के साथ कनेक्शन था इसलिए उसको मारा, सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया इसलिए उसको मारेंगे। अगर इस तरह सब कहने और करने लगेंगे तो फिर कानून और अदालत का काम कहाँ बचेगा, और शायद कानून वाकई में कमज़ोर हो चुका है जो इस तरह का माहौल है। अगर 26 सालों के बजाय 2-3 सालों में काले हिरन मामले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट तक हो जाता तो या तो सलमान जेल काट कर आ चुके होते जैसे संजय दत्त के साथ हुआ, और अगर सलमान सबसे बड़ी अदालत से बरी हो चुके होते तो अपने बचाव में उनके पास दलील होती। और दोनों ही शर्तों में लॉरेंस बिश्नोई के पास 2018 से आज तक सलमान को टारगेट करने का कोई कारण नहीं होता। इसलिए काले हिरन के मामले में सबसे बड़ा अपराधी है कछुए की चाल से चलने वाली हमारी न्याय व्यवस्था। इसी तरह 20 और 22 साल के नौजवान देश के लिए बंदूक उठाने की बजाय फटाफट लॉरेंस बिश्नोई के लिए बंदूक उठाने को कैसे तैयार है। नशे और बेरोजगारी से घिरे हुए पंजाब में हर पार्टी की सरकार आई, मगर वही ढाक के 3 पात। बेरोजगारी का यह जाल तो हर शहर और प्रांत पे फैल रहा है। मैं भी कश्मीर होके आया, वो भी ड्रग्स के जाल में फंस गया है। तो अगर सरकार अपने युवाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार की उम्मीद देने में नाकाम है तो फिर ये सब तो होना है। और साथ ही हमारी फिल्में और उनके गाने अपराध को ग्लोरीफाई करेंगे। छोटे बच्चे अगर बंदूकों के गाने सुनकर बड़े होंगे और फिल्मी पर्दे पर डॉन पठान और मुंबई मेरी जान जैसी फिल्मों के हीरो को गैंगस्टर में देखेंगे तो अपराध की दुनिया में कदम रखना उन्हें उतना मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहाँ कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं कि हर बेरोजगार तो अपराधी नहीं बन जाता, फिल्में देखकर सबको तो गैंगस्टर नहीं बन जाते, फिल्में सबको तो गैंगस्टर नहीं बना देती। मेरा ऐसे लोगों से सवाल है, क्या हमें देश के हर युवा के अपराधी बनने का इंतजार है? अगर केवल 31 साल का एक लॉरेंस बिश्नोई 700 लड़कों के साथ पूरे देश की कानून व्यवस्था को हिलाए रख सकता है, सोचिए अगर ऐसे 100 लॉरेंस और हर एक के नीचे 700 युवा जुड़ गए तो देश कहाँ जाएगा। सलमान खान के काले हिरन मामले में अंतिम फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट को करना है और कोर्ट को ऐसा जल्दी करना चाहिए ताकि पूरे मामले की क्लोजर मिल सके। वही दूसरी तरफ युवाओं से मेरी अपील है कि लॉरेंस बिश्नोई को अपना आदर्श ना बनाएं। जेल से अपराध का साम्राज्य चल सकता है, मगर माँ का आंचल, बाप की मुस्कुराहट, बीवी बच्चों की खुशियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं।
और जनता के माध्यम से मोदी सरकार से मेरी अपील है कि देश में कानून का राज तभी होगा जब कानून की प्रक्रिया तेज होगी। इसी तरह मेरे साथ मिलकर आप सही मुद्दे उठाते रहिए, सरकार से सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, आपकी राय का इंतजार रहेगा। खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिएगा। शुक्रिया।